नाम रूप सच है। आप जैसे जैसे पाली पढ़ेंगे या जैसे जैसे धम्मपद पढ़ेंगे या जो बुद्ध की वाणी है, बुद्ध के वचन हैं, या जो बुद्ध के उदान हैं, उद्गार हैं, या जो भी आप बुद्ध से संबंधित यानी पुरानी भाषा संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं, नाम और रूप। नाम बोलते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर को बोलना चाहें हिंदी में तो उसको नाम बोल सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसका जो ढक्कन है या खोखा है या कीबोर्ड है, जो सामान है उसका है, उसको अगर बोलना चाहें, या मशीन है उसकी, तो उसको आप बोल सकते हैं रूप। यानी कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है उसको आप रूप कह सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर है उसको आप नाम कह सकते हैं। ये पुरानी भाषा के ओरिजिनल नाम है। और मनुष्य का जो मनुष्य चलता है उसके अंदर जो उसको चलाता है उसका सॉफ्टवेयर, उसको नाम बोलते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य का नाम पड़ता है। बेसिकली नाम का मतलब होता है कि इसका करैक्टर कैसा है और इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह से ये काम करता है। इसलिए जैसे भी हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो हमें उसके करैक्टर के और व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। और जो हार्डवेयर है यानी रूप है, अगर हम रूप सौंदर्य की बात करते हैं तो हमें उसके शरीर के बारे में पता चल जाता है कि इसका शरीर कैसा है। रूप में ये काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, खराब है, ये हम रूप के अंदर लेके आते हैं। और इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे आचरण करता है, इसकी चेतना कैसी है, चित्त कैसा है, इसको हम नाम के अंदर लेके आते हैं। तो किसी भी जीव को चलाने के लिए दो हिस्सों में, या किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए दो हिस्से होते हैं। यहाँ तक कि जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसके भी दो हिस्से हैं, एक उसका सॉफ्टवेयर है और एक उसका हार्डवेयर है, यानी नाम और रूप। पुराने समय में जब व्यक्ति मर जाता था तब चूंकि सभी लोग पाली जानते थे, सभी लोग चित्त के बारे में जानते थे, मन के बारे में जानते थे या रूप के बारे में जानते थे, और सारे सारे लोग जो बुद्ध की पंचशील हैं और जो बुद्ध की विपसना साधना है और जो उनकी टेक्निक है उसकी साधना करते थे, उसकी विपसना करते थे। जो लोग नहीं भी करते थे, तो जब व्यक्ति मरता था तो सारे लोग शांत बैठते थे और जब उसको लेके जाते थे तब ये वाक्य बोले जाते थे। क्या वाक्य हैं ये? नाम रूप सच है, यानी कि नाम और रूप सच है। ये बिल्कुल जैसे आर्य सच बताए हैं भगवान बुद्ध ने चार, ये आर्य सच का ही एक रूप है कि नाम और रूप सच है। यानी व्यक्ति है, अगर जीव है, तो उसमें नाम रूप होंगे, ये बात सच है, ये बात ट्रूथ है, वो होते हैं। सच है, सच है, पीछे वाले लोग बोला करते थे सच है, यानी कि ये ट्रूथ है। वो इसको बार बार इसका अनुमोदन करते थे कि ये बात ठीक है, हम जानते हैं, ये बात ठीक है, हम जानते हैं। नाम रूप सच है, सच है, सच है। फिर बोलते थे गत ही सच है, यानी गत माने जो बीत गया, जो चला गया, जो खत्म हो गया, जो व्यक्ति खत्म हो गया वो सच है। यानी कि एक ना एक दिन ये जो हार्डवेयर है ये खत्म होना है, इसका सॉफ्टवेयर यहाँ से रिलीज होना है, जाना है, ये बात सच है, यानी गत ही सच है। तो पीछे वाले लोग बोलते थे सच है, सच है। फिर बोलते थे अत तो गत है। अब ये जो सेंटेंस बोला जाता था अत तो गत है, अत माने होता है स्वयं, यानी कि जो हम हैं, जो जीव है, उसको अत बोला गया है। अत तो गत है यानी कि ये जाना है, जो स्वयं है, बाद में इसको आत्मा करके बोला गया, मगर यहाँ अत का मतलब अत्ता ही अत्तनो नाथ हो। आपने सुना होगा खुद ही खुद का नाथ है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि आप स्वयं के स्वयं नाथ हैं। तो अत तो गत है यानी कि हमें एक ना एक दिन खत्म होना है, जाना है। पीछे वाले लोग कहते थे सच है, सच है। तो इस तरह सभी लोगों को समझाया जाता था, और सब लोग जो विपसना साधना नहीं भी करते थे उनको ये वाक्य अच्छी तरह से समझ में आते थे। नाम रूप सच है, सच है, सच है। गत ही सच है, सच है, सच है। अत तो गत है, गत है, गत है। नाम रूप सच है, सच है, सच है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात है तो आप इसको समझकर लोगों को समझा सकते हैं और वहां लोगों को बता सकते हैं कि नाम रूप सच है, सच है, सच है। धन्यवाद। नाम रूप सच है, सच है, सच है। गत ही सच है, सच है। अत तो गत है, गत है, गत है। नाम रूप सच है, सच है, सच है।